रायगढ़ जिला में पालीघाट सेल्फी पॉइंट के पास मिले दो अज्ञात शव के मामले में पुलिस ने शव मिलने के 48 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मुनेट भूपदेवपुर के पास दोनों युवकों का हत्या किया था और शव को पालीघाट के पास लाकर फेंक दी थी। 20 मार्च को रायगढ़ उड़ीसा मार्ग में तमनार क्षेत्र के पालीघाट सेल्फी पॉइंट के पास दो अज्ञात व्यक्तियों के शव मिले थे। दोनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले रहे। मृतक के भाई ने बताया कि 15 मार्च से उनका भाई प्रवीण ओझा और उसके साथी ड्राइवर पवन उपाध्याय रायगढ़ से लापता हुए थे, तब से उनका मोबाइल बंद है। दोनों मृतक ड्राइवर थे। आरोपियों ने दोनों मृतकों के ट्रेलर को लूटने और वाहन में लोड सामान को खपाने की योजना बनाई थी, जिसकी पुष्टि आरोपियों के कॉल डिटेल और बयान से हुई है। योजना के अनुसार 14 मार्च से ही हत्या के आरोपी मनोज साहू, अजय साहू और अजय यादव मृतकों से फोन पर संपर्क में रहे। 15 मार्च को कलकत्ता नामक ढाबा से ही मृतकों को फॉलो कर रहे थे। आरोपियों ने मृतकों को अतिरिक्त काम दिलाने के बहाने ट्रेलर सहित मोनेट के पास नहरपाली सुनसान जगह लेकर गए, जहां पहले शराब पिलाई, खाना बनाए और बाद में नशे में होने का फायदा उठाते हुए उनकी हत्या कर दी थी। चारों आरोपियों ने मिलकर दोनों चालकों के शव को ट्रेलर के कैबिन में डालकर वाहन में रख दिया था और गाड़ियों को अलग अलग जगहों पर ले जाकर छोड़ दी थी। आरोपियों पर धारा 302, 201, 120 बी, 34 आईपीसी के तहत कार्यवाही हुई है। घटना में शामिल आरोपियों में मनोज साहू पिता हीरालाल साहू उम्र 34 साल निवासी ढिमरापुर चौक जगतपुर रायगढ़, अजय साहू पिता कृपाराम साहू उम्र 22 साल निवासी औरदा थाना पुसौर जिला रायगढ़, आकाश कहरा पिता गंगाराम कहरा उम्र 28 साल निवासी छोटे कोनी थाना कोनी जिला बिलासपुर, जुनैल खान पिता ईदू खान उम्र 29 साल निवासी मौधापारा थाना जूट मिल, राकेश खुटे पिता राजेश खुटे उम्र 31 साल निवासी ग्राम औरदा थाना खरसिया। इस मामले में अभी कुछ और आरोपी हैं जो फरार हैं, जिनमें अजय यादव निवासी बोदा टिकरा जूट मिल, नंदू लहरे निवासी बरतुंगा और जयनंद साहू निवासी कुर्सीपाली शामिल है। डबल मर्डर का खुलासा और आरोपियों की धरपकड़ में एसएसपी सदानंद कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा, एसडीओपी खरसिया मिश्रा पांडे, एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा, थाना प्रभारी तमनार, निरीक्षक प्रवीण मीन, थाना प्रभारी घरघोड़ा, निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, चौकी प्रभारी खरसिया, उप निरीक्षक अमिताभ खांडेकर थाना भूपदेवपुर, उप निरीक्षक जीपी बंजारे, थाना प्रभारी जुटमिल, उप निरीक्षक कमल पटेल, थाना तमनार के सहायक निरीक्षक नरसिंह यादव, प्रधान आरक्षक देव प्रसाद राठिया, किशोर कुल्लू थाना लैलुंगा के सहायक उप निरीक्षक चंदन नेताम, साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राकेश पटेल, दुर्गेश सिंह, प्रदीप गहलोत, बिजलाल गुर्जर, महिला प्रधान आरक्षक रेणू मंडावी, आरक्षक धनजनय कश्यप, विकास प्रधान महेश पंडा, प्रशांत पंडा, सुरेश सिदार, नवी शुक्ला, प्रताप बेहरा, प्रदीप तिवारी, मुकेश यादव, सावी चंद्रा, नंद कुमार पैकरा, पुष्पेंद्र जाटपर, प्रमोद सागर, महिला आरक्षक मेनका चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा संयुक्त टीम के सदस्यों को ब्लाइंड मर्डर केस के निराकरण में उल्लेखनीय कार्य हेतु उचित इनाम की घोषणा की गई है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।